हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने देखा था कि उन डिवाइसेस के क्या यूज होते हैं, वह किस तरह से काम करते हैं। तो कुछ और इनपुट डिवाइसेस हमारे बचे हुए थे जिनको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि यह किस तरह से काम करते हैं, इनका यूज जो है कहाँ किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक के बारे में हमने बात की थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बारकोड रीडर, कार्ड रीडर, MICR, OCR, ट्रैक बॉल एंड OMR के बारे में। तो पहले हम बारकोड रीडर के बारे में बात करते हैं। बारकोड रीडर का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। इसका उपयोग किसी वस्तु के बारकोड को रीड करना होता है और बारकोड रीडर बारकोड इमेज को स्कैन करने के लिए लेजर बीम का यूज करती है और बारकोड में छिपे इंफॉर्मेशन जैसे कि उसकी प्राइस हो, क्वांटिटी हो, मेड इन कंट्री, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट को बताने का काम करता है। तो बारकोड जो है आपने ज़रूर देखा होगा, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे आप कोई सामान लेने गए तो उस प्रोडक्ट के पीछे आपको इस तरह के लाइंस सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग वर्टिकल लाइंस बने होते हैं और इनकी जो है अलग अलग विड्थ और साइज के होते हैं, लाइंस होते हैं। तो ये जो लाइंस होते हैं, ये जो सिंबल्स है, वो डेटा को बताने का काम करता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसको ये बताने का काम करता है। तो जब उस प्रोडक्ट पर इस ये सिंबल बने होते हैं तो सिंबल पर एक लेजर बीम का यूज करके उसे स्कैन किया जाता है और जब उस पर लाइट डाली जाती है तो उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होती है, उस प्रोडक्ट की क्या रेट है, उसकी क्या क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, यह मेड इन कंट्री है या नहीं, या फिर इस किस कंपनी की है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी कब है, एक्सपायरी डेट कब है, तो ये सारी चीज़ें जो है लेजर बीम से जब लाइट डाली जाती है स्कैन करके तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें मिलती है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है तो ये जो है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करके आपके कंप्यूटर में दिखाया जाता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें की आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। सेकेंड है हमारा कार्ड रीडर। कार्ड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज जो है मेमोरी कार्ड को रीड कर डेटा या कंप्यूटर या लैपटॉप तक पहुंचाना होता है और इसका यूज जो है अक्सर मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करने और डेटा को निकालने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड का तो आप सब यूज, ये कार्ड रीडर का आप सब यूज करते ही होंगे। कार्ड रीडर का मेन काम होता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इसमें स्टोर होती है इंफॉर्मेशन या डेटा जो है, उसको रीड करके आपके कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती है। जैसे बहुत सारे कार्ड रीडर होते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर हो गए, मेमोरी कार्ड रीडर हो गए, पंच कार्ड रीडर हो गए, तो ये सारे जो है इसमें इंफॉर्मेशन होती है और वो जो है आपके इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर पर बताने का काम करता है। जैसे कि ST कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, तो ये जो है इनका अपना अपना एक कार्ड रीडर होता है। तो जब भी जैसे जब आप जैसे मेमोरी कार्ड का यूज आप कब करते हैं, जब आपको कोई उसमें सॉन्ग्स डालना हो, अपलोड करना हो या कोई आपकी जो फेवरेट वीडियो हो वो डालनी हो, तो उसमें जो है मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और फिर अपनी पसंदीदा फाइल को मेमोरी कार्ड में अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो भी उसमें अपलोड किए वो जो है आपके कंप्यूटर में शो होता है कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने डाली है, कौन से सॉन्ग्स, कौन सी वीडियो डाली है, तो वो जो है आपके कंप्यूटर पर शो होता है। 10th है हमारा MICR। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इस डिवाइस का यूज मुख्य रूप से बैंकों में चेक नंबर, बैंक कोड को पढ़ने और वैलिड चेक को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। यानी MICR का जो यूज है, जैसे आप किसी चेक को, चेक तो आप देखे होंगे और चेक को बड़े ध्यान से अगर आप उसमें देखेंगे तो चेक के नीचे जो है एक मैग्नेटिक इंक बार कोड प्रिंटेड किया हुआ रहता है और इसी बार कोड को हम MICR कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो चेक में जो है बैंक का आइडेंटिटी कोड होता है, IFC कोड होता है, कस्टमर का अकाउंट नंबर हो, चेक नंबर हो या उसकी पहचान अंक हो, ये सारे जो है चेक
में एक मैग्नेटिक इंक में लिखा जाता है। तो इन मैग्नेटिक इंक को जो है MICR जो है स्कैन करता है और स्कैन करके ये वेरीफाई करता है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन है इस चेक में दिए हुए वो जो है करेक्ट है या नहीं। तो MICR का यूज जो है स्पेशली जो है वो बैंक सेक्टर में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा OCR। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को, लेटर्स या टाइप किए गए टेक्स्ट को स्कैन करता है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यह आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को पर्सनल कंप्यूटर पर रीडिटेबल और एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और OCR की हेल्प से बुक हो, मैगजीन हो या कोई पुराने प्रिंटेड मटेरियल हो तो उसे डिजिटाइज किया जा सकता है। OCR का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका मेन काम होता है कि जैसे कि कोई प्रिंटेड लेटर्स हो किसी बुक पे हो या फिर आपने हाथ से लिखा हो, टाइप किया हो, तो उसमें जो टेक्स्ट होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उसको वह स्कैन करता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट डिजिटल फॉर्मेट यानी कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो शो होता है। तो सो होने के बाद जो है उसे आप डिजिटली रूप से उसे इनपुट किया जाता है और उसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं और उसे पढ़ने के साथ साथ आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। 12th है हमारा ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस होता है, यह माउस की तरह ही काम करता है। इसकी हेल्प से हम स्क्रीन पर मौजूद पॉइंटर को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। इसके ऊपर एक बॉल जैसा आकार बना होता है जिसे घुमाने पर कंप्यूटर स्क्रीन का कर्सर भी घूमता है और बॉल को जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता है कर्सर भी उसी डायरेक्शन में घूमती है। तो ट्रैक बॉल जो है एक माउस की तरह काम करने वाला ही होता है और यह जो है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके ऊपर जो एक बॉल जैसा आकार बना होता है और जिसे घुमाने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी घूमती है और बॉल को आप जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे कर्सर भी जो है उसी डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि यह बिल्कुल माउस की तरह ही वर्क करता है। जिस तरह माउस में दो बटन होती है उसी तरह इसमें भी दो बटन होती है और जो बटन की ज़रूरत होती है तो उसे उस बटन को प्रेस किया जाता है। अगर हम माउस और ट्रैक बॉल में डिफरेंसेस की बात करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो माउस के थ्रू जो है स्क्रीन पर पॉइंटर को इधर उधर ले जाने के लिए हाथ से पकड़कर माउस को अलग अलग डायरेक्शन में हमें मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ट्रैक बॉल का यूज जो है स्क्रीन में कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए उसे इधर उधर ट्रैक बॉल को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रैक बॉल जो है एक ही जगह पर रखा रहता है और बस उसमें लगी हुई जो बॉल होती है उसे हमें मूव करना होता है और जैसे ही हम बॉल को मूव करते हैं स्क्रीन पर कर्सर की जो मूविंग जो स्पीड होती है उसी तरह से वर्क करता है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि ट्रैक बॉल के क्या काम होते हैं, तो फर्स्ट इसका जो है गेमिंग में ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है जिसमें गोल्फ हो, बेसबॉल हो, बॉलिंग हो, बहुत सारे ऐसे गेम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क्स में यूज की जाती है। इसके जरिए 2D, 3D या फिर अन्य दूसरी डिजाइनिंग का काम जो है आसानी से हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा OMR। OMR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका होता है या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट में हम OMR कहते हैं। OMR रीडर एक तरह का स्कैनर होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज विशेष प्रकार के साइन या मार्क्स को पहचानने के लिए ही डिजाइन की जाती है। साइन या मार्क्स का क्या मतलब है, जैसे कि परीक्षाओं में OMR सीट पर परीक्षा देना, आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको ज़रूर एक OMR सीट दी जाती है। तो उस OMR सीट में क्या होता है कि उसमें जो आंसर जो है एक गोले को पेंसिल से डार्क करना होता है और उसी पेंसिल के मार्क को पढ़ने के लिए हमें जो है OMR रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि OMR रीडर जो है एक स्कैनर होती है। और OMR रीडर के फ़ायदे की बात करें तो OMR सीट जो है एक घंटे में करीब 10,000 कॉपी की वो जो है जांच कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है।
तो अगर आप कंप्यूटर से अगर आप डेटा को फीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर OMR रीडर की हेल्प लेंगे तो इसमें जो है गलतियाँ जो है नहीं के बराबर होती है। तो मेनली जो है OMR का यूज जो है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो एंसर्स आप पेंसिल से जो डार्क करते हैं उसको जो है पढ़ने का काम करता है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस का यह टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है, और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हमने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो आई होप आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।